नमस्ते, आप द जेड प्लस देख रहे हैं। अभी हम लोग बात कोरोना की अपडेट को लेकर के करेंगे। तो इसमें बिहार में जो संक्रमण है अब वो काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा है। अगर हम बात करें बिहार की राजधानी पटना में, तो पटना में भी कोरोना पेशेंट पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बीते दिनों हमने देखा कि खासपुरा जो इलाका है वहाँ उसे सील किया गया, वहाँ से पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके बाद पटना के और बाकी ऐसे ज़िले थे जहाँ पे ग्रीन जोन में उसे कहा जाता था, उसके बाद अब वहाँ से भी पेशेंट आ रहे हैं और पेशेंट की जो तादाद है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसे लेकर के अभी हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो लास्ट पांचवा अपडेट ट्वीट किया है, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या ट्वीट किया है और उनके हिसाब से अभी तक टोटल कितने कोरोना पॉजिटिव केसेस बिहार में मिले हैं। तो यहाँ पे संजय कुमार हैं, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है। ये लिखते हैं, #FightsCorona 5th update of the day 9, 5th update of the day, यानी कि आज का पांचवा अपडेट है और इस पांचवा अपडेट में 9 more कोरोना केसेस इन बिहार टेकिंग टू द टोटल टू 162। इसका मतलब हो गया कि अभी जो पांचवा अपडेट हुआ है उसमें 9 कोरोना पेशेंट और मिले हैं जो कि पॉजिटिव है। इसे लेकर के अभी जो आंकड़ा था जो शाम में 153 था वो बढ़ करके अब 162 हो गया है। अभी बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब जो संजय कुमार सचिव है हेल्थ डिपार्टमेंट को, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए एक नोटिस भी डाला है। उन्होंने कहा है कि अब बिहार वालों को, बिहार के जो लोग हैं उन्हें अब मास्क पहनना पड़ेगा। वो मास्क चाहे N95 मास्क हो या कपड़े से बना हुआ हो, जो भी मास्क हो, लेकिन उनके पहन करके अब निकलना ज़रूरी होगा। जीविका समूह और अन्य समूह के द्वारा जो भी तैयार किए गए मास्क हैं वो भी पहन सकते हैं, वो भी कारगर है। ये भी स्पष्ट किया जाता है कि N95 मास्क कोविड की जांच और चिकित्सा में संलग्न चिकित्सा पदाधिकारी और कर्मचारी जो है उनके लिए भी पहनना ये ज़रूरी हो गया है। शेष पदाधिकारी यानी कि जो भी कोरोना के संक्रमण के बचाव के लिए जो भी अधिकारी ड्यूटी पर लगे हुए हैं या कर्मचारी लगे हुए हैं या आम नागरिक लगे हुए हैं, वो भी, उनको भी पहनना ज़रूरी हो गया है। 3-प्ले मास्क अथवा कपड़े से जुड़ा मास्क, यानी कि जो लोग, अगर N95 मास्क नहीं मिल रहा है तो कपड़े का बना मास्क भी लोग पहन सकते हैं, वो भी काफ़ी उपयोगी होगा। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा भी जो सीएम कार्यालय है वहाँ से भी प्रेस विज्ञप्ति निकलती है और उस प्रेस विज्ञप्ति में क्या कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी ले लेंगे। इसमें लिखा हुआ है, डोर टू डोर स्क्रीनिंग का दायरा जो है बढ़ाया जाएगा। मतलब पहले जो दायरा तय किया गया था डोर टू डोर स्क्रीनिंग का, अब उस पर फोकस ज़्यादा किया जाएगा और उसे, उसका जो एरिया होगा वो वाइडर होगा और इसके अंतर्गत डोर स्क्रीनिंग की भी शुरुआत की जाएगी। मतलब जो भी लोग होंगे जो इसमें कार्य जो करेंगे वो घर 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 जा कर के लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे। और दूसरा जो उसमें अपडेट है, संक्रमित व्यक्ति को पूरे चेन और कॉन्टैक्ट्स तेजी से चिन्हित करते हुए तत्काल टेस्टिंग कराएं ताकि संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके। इसमें है कि जो भी लोग संक्रमित जो पाए गए हैं उनका टेस्ट जल्दी से जल्दी हो और उनको इलाज करवा करके और जो चेन तोड़ने की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाएं। एक संक्रमित व्यक्ति काफ़ी लोगों को संक्रमित कर सकता है। बिहार में भी ऐसे अधिकांश मामले इसी तरह के हैं, अतः इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए सरकार जागरूकता अभियान भी चलाएगी कि लोगों को जागरूक करे कि ये जो बीमारी है ये एक दूसरे से फैलती है और इसके बारे में आगे की जानकारी देंगे। पल्स पोलियो के तर्ज पर हो रहे डोर टू डोर स्क्रीनिंग में यदि अन्य बीमारियों के लक्षण पाए जाते हैं तो अविलंब उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की जाएगी। जैसे कि हमने देखा है कि डोर टू डोर जो कैंपेन चलता है पल्स पोलियो का, जिसमें कि जीविका समूह के या आंगनबाड़ी की जो सेविका होती हैं वो घर घर में जा करके बच्चों को दवा, पल्स पोलियो की दवा पिलाती है, उसी तरह से जो जो इसके लिए काम के लिए जो ऑथराइज लोग होंगे वो जाएंगे और उसकी स्क्रीनिंग करेंगे और उस बारे में बताएंगे कि अगर कोई लक्षण कोरोना से जुड़े या दूसरी बीमारियों से जुड़े जो लक्षण हैं उसकी जांच करेंगे और उसका इलाज के लिए हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करेंगे। हॉटस्पॉट और आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरह से सैनिटाइज करना सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें है कि जो भी एरिया जो हॉटस्पॉट में जो तब्दील हो चुके हैं, जहाँ पे कोरोना के सबसे ज़्यादा पेशेंट मिले हैं या कोरोना के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, उस एरिया को हॉटस्पॉट के अंदर अंतर्गत आते हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा उन पर मॉनिटर किया जाएगा, उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा और वहाँ पर जो भी सुरक्षा के जो मानक होंगे वहाँ पर बढ़ा दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि अब कोरोना का जो संक्रमण है बिहार में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ पर बीते दिनों की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मरीज पॉजिटिव आए हैं, लेकिन इस दौरान कुछ मरीज़ ठीक भी हुए हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो ठीक होने का जो
जो प्रोसेस है वो पहले के कंपैरिजन में अब थोड़ा धीरे हो चुका है। जो पहले जो मरीज़ काफ़ी जल्दी ठीक हो रहे थे वो अब उतनी जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं, और इस बीच में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। तो ये बिहार के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर नहीं है कि यहाँ पर भी अब कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है? तो सरकार इसको लेकर के अलग अलग तरह से इनिशिएटिव भी निकाल रही है, सरकार खुद सजग है, सचेत है, लोगों को सचेत भी कर रही है कि इस बीमारी को फैलने से किस तरह से रोका जा सके। हम कोरोना से जुड़े और भी अपडेट्स आपके साथ लेकर के आते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।